नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 14 दिसंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आईजी संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को पुलिस लाइन में परेड देखी और रक्षित केंद्र यानी आरआई कार्यालय का मुआयना किया। इस दौरान दरबार लगाकर उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी। दरअसल आईजी सालाना निरीक्षण के लिए नागजरी क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन पहुंचे थे। आईजी ने दंगारोधी बल की कार्य प्रणाली चेक की। यहाँ पुलिस कर्मियों ने बल पर पत्थर फेंके। और नारेबाजी भी की। इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े और दंगाइयों द्वारा लगाई आग को व्रज वाहन की मदद से बुझाया गया। वाहनों की जांच करने आईजी पहुंचे तो कुत्ते का एक पिल्ला भी आ गया। कुछ पुलिसकर्मी पिल्ले को भगाते नजर आए। आईजी ने घुड़सवार बल का मुआयना भी किया। आईजी ने पुलिसकर्मियों का ड्रेसअप चेक किया। परेड का निरीक्षण भी आईजी ने किया। परेड के बाद आईजी ने अपना दरबार लगाया और पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी। आईजी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि निरीक्षण में सब कुछ संतोषप्रद मिला। वार्षिक निरीक्षण में आज जो रक्षित केंद्र होता है वहाँ पे परेड का निरीक्षण किया गया और अभी रक्षित केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में इनका जैसे मोटर परिवहन का जो इकाई होती है वाटर गार्ड इत्यादि को देखा गया है। इसमें जैसा होता है कि हमारी पुलिसिंग में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्स पहुँचाने के लिए रक्षित केंद्र का आरआई जिसके इंचार्ज होते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अनुशासन से लेके दिन प्रतिदिन के अभ्यासों से लेके सारी चीज़ें रक्षित केंद्र से संबंधित होती हैं, उन्हीं का अवलोकन किया गया। व्यवस्थाएं फिलहाल संतोषजनक पाई गई हैं। अभी हम अपने अधिकारी कर्मचारियों से एक सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ उनकी उनकी समस्याएं अगर कोई होंगी व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर तो उसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। तो उनको अपनी ड्यूटीज़ के दौरान या कार्य करने के दौरान उनके घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाए। बड़नगर के पीर झालर के ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीर झालर गांव के रेलवे क्रॉसिंग तक की सड़क बेहद खराब है। बारिश के समय यहां से गुजरना मुश्किल होता है। 4 दिसंबर को ही एक मजदूर को अपनी प्रसूता बेटी को कंधे से लेकर सड़क से गुजरना पड़ा था। ग्रामीण इस बात से नाराज है कि कच्ची सड़क के कारण उन्हें बेहद परेशानी आती है। गर्मी के मौसम में तो जैसे तैसे चल जाता है लेकिन बारिश के समय कीचड़ से निकलना मुश्किल होता है। सड़क के लिए ग्रामीण कई बार मांग कर चुके हैं लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही। हालात ये है कि सड़क नहीं होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार और दिव्यांगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सेठी नगर में चोरों ने फिर सूने मकान के ताले तोड़ डाले हैं। दरअसल सेठी नगर के रहवासी मनोहर प्रसाद शर्मा के यहाँ इस बार वारदात हुई है। शर्मा का मकान सूना पड़ा था। उनके इंदौर में रहने वाले बेटे रोमेश सोमवार को जब घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ मिला। रोमेश के मुताबिक बदमाश भगवान के चांदी के बर्तन, बेटे की शादी के लिए सिलवाए नए कपड़े, महिलाओं के लिए खरीदी नई साड़ियां भी ले गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। मक्सी रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में खड़ी कचरा कलेक्शन गाड़ियों में 30 दिन में दूसरी बार बैटरी चोरी की वारदात हो गई। बदमाश यहां खड़ी 15 गाड़ियों की बैटरियां निकाल ले गए हैं। दरअसल उज्जैन में ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कचरा कलेक्शन करती है। इसके लिए कंपनी की गाड़ियां पूरे शहर में कचरा एकत्र कर ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाती हैं। रोजाना रात को काम पूरा होने के बाद ये गाड़ियां ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में ही खड़ी हो जाती हैं। सुबह जल्दी फिर से यह गाड़ियां शहर में कचरा एकत्र करने निकलती हैं। परिसर में खड़ी 70 गाड़ियों में से 15 की बैटरियां बदमाशों ने चुरा ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बदमाश परिसर में वारदात करते दिख रहे हैं। कंपनी मैनेजर पारस जैन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डकैती करने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग उजरखेड़ा के रघुनाथ धाम के पास हथियार लेकर बैठे थे। आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाकाल पुलिस के मुताबिक हरसिद्धि मंदिर के पास रहने वाले गोपाल राव मराठा,
फाजलपुरा का सुनील बाथम, तेजस सिंह बाथम, पवासा का राज सिंथारिया और नीलगंगा की छुमछुम बाबा की दरगाह के पास रहने वाला सत्यम सोलंकी डकैती के इरादे से बैठे थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद मौके से आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस आरोपियों को कोर्ट पेश करेगी, रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। जिले में रेत माफिया सक्रिय है और वे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। दरअसल जिले में परम एजेंसी ने रेत के ठेके लिए हुए हैं। उन्होंने सरकार को रॉयल्टी का पैसा जमा नहीं किया, जिससे उन पर करोड़ों रुपया बकाया है। इसी के चलते माइनिंग कॉर्पोरेशन ने जिले की ईटीपी बंद कर दी है। कंपनी स्टॉक की आड़ में जमकर अवैध उत्खनन कर रही है। बिना राजस्व चुकाए पनडुब्बी से पाइप के सहारे नर्मदा से सैकड़ों ट्रक रेती निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, माफियाओं ने नर्मदा में रास्ते तक बना दिए हैं। ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सीएम की विधानसभा की खदानों को भी नहीं छोड़ा। जिले से लगी छिपानेर की अवैध खदान से भी रेत निकाली जा चुकी है। सूत्रों की माने तो सीएम की विधानसभा के कुछ कद्दावर नेताओं से माफियाओं के संबंध है। उन्हीं के दम पर ठेकेदार बेरोकटोक अवैध उत्खनन कर रहा है। परम एजेंसी को दिया गया है, ये खनन निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए वही से जानकारी प्राप्त करती है आपको। पोर्टल वही चालू करते हैं, बंद करते हैं, ये ऐसी कोई जानकारी तो प्राप्त की है पंडितेश्वर अस्पताल में। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।